विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटीज कैलोरीज का इनटेक करते रहते हैं तो आपकी बॉडी भी वक्त के साथ साथ फूलती चली जाती है। तो अपना वेट मेंटेन रखना है तो आपको उतनी ही कैलोरीज इनटेक करनी होगी जितनी आपकी बॉडी की नीड है। और अगर आपको अपना वेट घटाना है तो आपको जाना होगा कैलोरी डेफिसिट पर। आप जो भी खाते हो, चाहे वो खाना हो, रिफ्रेशमेंट्स एक्सेट्रा, या जो भी आप पीते हो, उस सब चीज में एनर्जी कैलोरीज की फॉर्म में मौजूद होती है। न्यूट्रिशनल साइंस में कैलोरी की डेफिनेशन है आ यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑन एन एवरेज एक आदमी 8 घंटे की नींद करने में तकरीबन 400 कैलोरीज बर्न करता है, और ये सारी कैलोरीज बॉडी सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए बर्न करती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। पार्ट 1 में हमने अपनी बॉडी को समझा और जाना था कि किस तरह हमारी बॉडी को कैलोरीज की जरूरत होती है, और ये कैलोरी ज्यादा मिकदार में इनटेक की वजह से हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 देखिए। आज की वीडियो यानी हाउ टू लूज वेट पार्ट 2 में हम जानेंगे आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ये सोच रहे होंगे कि भाई एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है या कुछ और क्यों करना, बस अपने BMR से कम कैलोरीज ले लें और हमारा वेट लॉस होता रहेगा। थ्योरेटिकली ये चीज ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत खतरनाक है। बिना फिजिकल एक्टिविटीज के BMR से कम खाने पर आपके हार्मोन्स शदीद डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स में आप थकने लग जाएंगे, इरिटेट जल्दी होंगे, काम काज में फोकस नहीं होगा, जिसकी एक मेन वजह यह है कि आपकी बॉडी की 20% एनर्जी या कैलोरीज आपका ब्रेन कंज्यूम करता है, और जब उसको इजीली एनर्जी नहीं मिलती तो वो एबनॉर्मली बिहेव करके आपको भी डिस्टर्ब करता है। इसकी कॉमन एग्जांपल है मूड स्विंग्स। इसलिए हमें खाना छोड़ना नहीं है बल्कि खाने को हेल्दी वे में लेना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जिसमें तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, आपकी रूटीन, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना। नंबर 2 पे आता है कंट्रोल डाइट, हर वो चीज खाएं जिसकी आपकी बॉडी को नीड है लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। नंबर 3 पे आता है फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स हो, साइकिलिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, एनीथिंग। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें जिनकी कैलोरी सेम होती है लेकिन उनका हमारी बॉडी पर असर अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, बनाना और एप्पल हैं दोनों ही फ्रूट्स, लेकिन बनाना खाने में लाइट फील होता है और एप्पल भारी फील होता है। एप्पल खाने से आपका पेट भरा हुआ फील होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है सैटिएटी इंडेक्स। 1995 में कुछ रिसर्चर्स ने 240 कैलोरीज की सर्विंग टेस्ट की, 38 अलग अलग खाने की चीजों का सैटिएटी इंडेक्स निकाला, तो इस रिसर्च से पता चला कि पोटैटोज यानी आलू का सैटिएटी इंडेक्स सबसे हाई होता है। अब यहाँ बहुत से लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार अगर हम सारा दिन आलू ही खाते रहे तो कम से कम कैलोरीज लेंगे और पेट भी भरा रहेगा तो वेट भी लूज होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत होती है। आपको मसल्स लूज नहीं करने, आपको हेल्दी वेट लूज करना है। इसी तरह से कुछ फूड आइटम ऐसे भी होते हैं कि जिनको खाने से हमारी कैलोरीज बर्न होती है। अब भला वो कैसे? अक्सर हम सुनते हैं कि ये खा लो तो वेट लूज होगा, क्या वो कोई मैजिकल फूड होता? नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF का। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में जुट जाती है, उस खाने से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना और फिर खाने को स्टोर करना, इस सब प्रोसेस में लगती है एनर्जी। एनर्जी यानी कैलोरीज खर्च होती है। अब जरा समझिएगा कि कुछ चीजों का थर्मिक इफेक्ट जरा कम होता है, जैसे फैट्स, ऑयल, बटर, ये चीजें हमारी बॉडी बड़ी आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है, इसके लिए कोई कैलोरी नहीं लगती। लेकिन कुछ दूसरी चीजें जैसे होल ग्रेन्स, प्रोटीन रिच फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई फाइबर वेजीज जैसे पालक, ब्रोकली, इन सब का बहुत हाई थर्मिक इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी को बहुत कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए।
इसलिए ऐसा खाना खाकर वेट गेन करना मुश्किल होता है। Well, according to the doctors and dietitians, आप इन सब चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं फॉर मेकिंग इट अ हेल्दी डाइट। नंबर वन, कार्बोहाइड्रेट्स। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स, जिसमें हमारे पास ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड, लेंटन्स, बीन्स और वेजिटेबल्स। ये आपको एनर्जी देते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। नंबर टू पे है फैट्स। आप अनसैचुरेटेड फैट्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस और नट्स। ये आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर नंबर थ्री पे हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन में हमारे पास लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे कि स्किनलेस चिकन, फिश, टोफू या बीन्स। प्रोटीन्स आपके मसल्स को बिल्ड करने और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि किन चीजों को एक्सक्लूड या कम मिकदार में लेना है। सबसे पहले आ जाता है रिफाइंड शुगर्स, जैसे कि कैंडी, सोडा और प्रोसेस्ड फूड से बचना बेहतर है, क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज होते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को इफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ट्रांस फैट्स, जो फ्राइड फूड्स और पैकेज स्नैक्स में पाए जाते हैं। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं। फिर आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस्ड फूड्स पे, जिसके बगैर आज लोगों का गुजारा ही नहीं है। प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड कम खाना बेहतर है, क्योंकि ये अक्सर अनहेल्दी फैट्स, शुगर और सोडियम से भरे हुए होते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स उसे आसान बना देती हैं। तो इस वीडियो से मदद लें और अपना एक शेड्यूल बनाकर इस मुश्किल काम को बहुत ही इजी वे में अपने लिए हेल्दी और फायदेमंद बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।